हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आनंद और आपका स्वागत है हमारे चैनल पटना ब्लॉगर्स में। और हर बार की तरह फिर से मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार जो है वीडियो बनाकर के दिखाने लेके जा रहा। हमारे वीडियो का टाइटल है कि अब पटना भी बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ा आईटी हब बनने जा रहा है। और बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्रालय ने ये घोषणा किया है कि वो पटना के बिस्कुमान भवन में 25 आईटी कंपनियों को ऑफिस देगी। और ये बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां नहीं होंगी, बल्कि जो है ये स्टार्टअप कंपनियां होंगी। बिहार सरकार ने बिहार में और पटना में आईटी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 25 स्टार्टअप कंपनियों को फ्री में निःशुल्क जो है ऑफिस देने की घोषणा की है। वो भी कहां, बिल्कुल वो मैं आपको बता दूं, बिस्कुमान भवन के 9वें तल्ले से लेकर के 13वें तल्ले तक ये ऑफिस देने की घोषणा की गई है। तो यही खबर है जिसके ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ जो है इनको फ्री में जो ऑफिस नहीं दिया जाएगा, बल्कि ऑफिस के साथ साथ जो है इनको एक कॉन्फ्रेंस हॉल, इनको एक रिसेप्शन के लिए जगह, इनके लिए जो है फ्री वाईफाई की फैसिलिटी भी सरकार प्रोवाइड करेगी। ऐसा करने से जो है इन स्टार्टअप कंपनियों का ग्रोथ होगा ही होगा। उसके अलावा बिहार में और भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो आकर के अपना ऑफिस खोलेंगी। जैसा कि आपको मालूम है, बिहार में भी फिलहाल में TCS ने अपना बहुत ही बड़ा शानदार सा अपना सेंटर स्थापित किया है। आपको मालूम ही है TCS का फुल फॉर्म जो है वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और ये पटना में जो है इसने अपना ऑफिस खोला है। इसके साथ ही साथ और भी दूसरी आईटी कंपनीज को भी बिहार और पटना में अपना जो है सेंटर, अपना रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर खोलने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। तो यही, इसी पे हम आपको ये पूरी वीडियो बना करके दिखाने लेके जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियो को शेयर भी करेंगे, और हमारे चैनल को ज़्यादा आप सब्सक्राइब भी करेंगे।